की गरीबी की देख कर, और नेता आते ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं कर पाता है। कौन सुनाई करे, हमारी सुनाई नहीं करते कोई भी। बस्ती के लोग कहते हैं कि नेता यहाँ पर इसलिए नहीं आते कि उन्हें लगता है कि वो बीमार पड़ जाएंगे अगर इस बस्ती में आएंगे और इस गंदगी में आएंगे। लेकिन शर्म की बात है कि उन नेताओं को भी ये सोचने की ज़रूरत है, जिस बस्ती में वो आम आदमी का ख्याल नहीं रख पा रहे, जिस बस्ती में आम आदमी रहने को मजबूर है, वहाँ पर नेता जाने से क्यों कतराते हैं। ये मेरे पैरों के पास आप देख सकते हैं चूल्हा है, टूट गया है चूल्हा, ये चूल्हा भी बदहाल हो चुका है। चूल्हा भी कह रहा है, बोला भैया अब मेरे बस की नहीं है, इससे ज़्यादा मैं नहीं चल पाऊँगा, क्योंकि नेताओं के वादे होते हैं, नेताओं के वादे भी थोड़े दिन तक ही चलते हैं ना, इसीलिए अब चूल्हे ने भी जवाब दे दिया है। और आगे की तरफ को चलेंगे, ज़रा मुझे माइक इसमें से निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, हालत ख़राब है एक। हाँ जी माता जी, क्या इसका को कमाने वाला ये? नहीं नहीं नहीं, ये आप मुझे दिखाइए। ये आधुनिक भारत में छेद है ये। इस छेद को देखिए सरकार, इस छेद को देखने की कोशिश करिए। आज का आम जनमानस किस तरीके से जीने को मजबूर है, उसे एक अदद कपड़ा भी नसीब नहीं है ओढ़ने के लिए तन पर। आप बात करते हैं देश को आधुनिक बनाने की, देश को आर्थिक स्तर पर मजबूत बनाने की। माता जी कोई बात नहीं, कितने सालों से रह रही हो यहाँ पर? 30 साल हो गए। 30 साल। परेशान मत हो, रो मत, आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं, आप परेशान मत। नहीं नहीं, इसे ढका रहने दो आप। आप 30 साल से रह रहे? कला। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पर? 30 साल से। 30 साल। 30 साल से रह रही हो, कितने नेताओं को जानते हो? ये बताओ, आपका वोटर आई कार्ड बनाया, मतदान करने जाते हो, वोट डालने जानते हो? नहीं, डालते और इसे पता नहीं है, वोट डालते सब। चलिए आप बताइए, आप कितने साल से? 30 साल से वोट डालते हैं, कोई हमारी सहायता नहीं। कैसे, हमें 30 साल हो गए यहाँ, कहते हैं सुधार करेंगे, गली करेंगे, लाइट लगाएंगे, बिजली लगाएंगे, कुछ नहीं करते हैं हमारे। नेताओं को जानते हो आप? हमने तो सब नेताओं के वोट देख लिया, कोई नहीं आता। मोदी कहता बहुत करूंगा तुम्हारे लिए, मोदी ने भी कुछ नहीं कहा। अरे कियो है जो हमारे लिए नहीं करने का, तो नहीं, मोदी नहीं और मायावती ने भी हमें बहुत किया, मुलायम सिंह ने भी हमें बहुत किया, पर कुछ नहीं किया। प्रभात सिंह ने तो हमारे लिए सहूलियत करी थी, प्रभात सिंह ने हमें जमीन दिलाई थी, ये बहुत गहरे पे जमीन थी, ये DM ने और स्वामी जी कल्याण ने हमें बसाए थे। जब से हमारी कोई सहायता नहीं है, कोई सुनाई नहीं करता, ना कोई कर पाता है। यहाँ की गंदगियाँ को देख कर, हमारी गरीबी की देख कर, और नेता आते ही नहीं है। मोदी जी, अखिलेश जी, मुलायम जी और मायावती जी, इस तस्वीर को सुनिए, और ये जो महिला जो कह रही थी उस आवाज़ को भी सुनिए, और समझने की कोशिश करिए कि आप लोग वाकई में विकास करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, या फिर सिर्फ ढोल पीटा जा रहा विकास करने के नाम का। आगे की तरफ चलते हैं इस बस्ती में, और आगे की तरफ भी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। एक मंदिर यहाँ पर भगवान शिव बैठे थे मुझे लगता है, लेकिन अब इन लोगों ने नाराज होकर भगवान जी की भी पूजा करनी बंद कर दी है। ऐसा लग रहा है कि अब भगवान से भी ये निराश हो गए हैं, नेताओं ने तो निराश किया ही है। दोनों तरफ मंदिर हैं इस गांव में, लेकिन मंदिर भी टूट गए हैं, मंदिरों की मरम्मत कराने वाला भी कोई नहीं। मंदिरों को लेकर बात बहुत होती है राजनीति की कि भैया मंदिर बनाना है, लेकिन यहाँ मंदिर टूट गया, यहाँ उम्मीदें टूट गई, इसे बनाने कोई नहीं आएगा, इसे संजोने कोई नहीं आएगा। गौ माता भी खड़ी खड़ी सोच रही है कि अब कौन यहाँ पर आ गया है अचानक से, उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि कोई आया है, कोई तो सुनने आया है। आधुनिक भारत की तस्वीर आप समाचार टुडे पर देख पा रहे हैं, नेताओं को शर्म करने की ज़रूरत है। बीजेपी, BSP, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम अन्य दल जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है, उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार इस देश की हकीकत क्या है। क्या नाम है जी आपका? बता भी दूं, गंगली। गंगली जी कितने सालों से आ रहे हो? 25 साल। अच्छा, वोट डाल रहे हो? वोट डालते हो? डाल डाल। नेताओं को जानते हो यहाँ के?
नेता उताओ का तो हमने पता नहीं है, अड्डा वोट तो हमने कई दफे डाली, कई बार डाली, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, अंधेहाना हमारे भी कुछ भी नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री जी अभियान चला रहे हैं कि भैया सब महिलाएं घर में शौच के लिए जाएं, आप कहाँ जाते हो शौच के लिए? वहाँ जाते हैं, इसका घर है पहाड़, पहाड़ का मान है, बाहर जाते हो? बाहर जाते हैं, बाहर करके बाहर 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 वहाँ लड़के हो जावे, सामने लड़कियों का नंगे हो जावे, है नंगे जावे। उनकी बात है, जिस देश को आधुनिक बनाने की बात हो रही है, बाहर से शौच मुक्त बनाने की बात हो रही है, वहाँ पर भी हाँ। आपका नाम क्या है? राखी, राखी बता रहे, राखी 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 कितने साल से डाल रहे हो? हाँ तो कुछ मिला क्या पता भाई, नेता नेता का काम। आप भी शौच के लिए बाहर जाते हो? हाँ बाहर ही जाते हैं। आप सब सभी बाहर जाते हैं? आप भी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यह अभियान चलाया जा चुका है, घर घर शौचालय बनाने की बात हो रही है, खुले में शौच से मुक्त इस देश को बनाने की बात हो रही है। लेकिन आज भी दुर्भाग्य इस देश का है कि शहर में रहने के बावजूद इन लोगों को बाहर खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ रहा है। अब प्रशासनिक व्यक्तियों अधिकारियों को भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं, क्यों योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, जो योजनाएँ जनता के लिए बनाई गई हैं उन योजनाओं को जनता तक क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा। एक एक शौचालय पर लाखों लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, आखिरकार वो लाखों लाखों रुपये जा कहाँ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं, आगे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या और क्या कुछ है इस बस्ती में। मासूम पिल्ला ये भी सो गया बेचारा, सो गया बेचारा, ये भी थक हार कर ऐसे भी, ये भी नेताओं का इंतजार करते करते सो गया। उसे पता है कि कोई नेता नहीं आने वाला है यहाँ पर, कोई नेता यहाँ नहीं आएगा। भाई साहब ये क्या है आपके हाथ में? पैन कार्ड बना हुआ है आपका? तो आप इनकम कितनी है आपकी? इनकम कितनी है आपकी? तो कुछ भी कुछ भी नहीं कमाते हम, 200-250 रुपए कमाते हैं। तो ये इसका क्या कर रहे हो फिर, इसका पैन कार्ड का कहाँ भर रहे हो आप, आय कर रही है? नहीं। बनवा लिया है जी? आधार कार्ड दो, आधार कार्ड, पहचान पत्र दो। ये आधार कार्ड इनकी पहचान है, इस आधार के आधार पर ये अपना वोट डालते हैं। लेकिन वोट डालने के बाद इन्हें क्या क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला, कोई नलका मिला, कोई नलका मिला नहीं, कोई जमीन जमीन में पड़े झुग्गी झोंपड़ी है हमारे पे। नेताओं के पास दोबारा लेकर गए? बोलो भैया गए थे, दोबारा लेकर गए थे, नेता का हमारे तो छोड़ा नहीं करते कोई भी, हमारी झुग्गी झोंपड़ी है, 30 साल हो गया मैं पड़े को। चलिए अब हम आप देखते हैं, एक तस्वीर और दिख रही है यहाँ पर, ये बीजेपी का झंडा घूमते 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 यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन बीजेपी के नेता यहाँ नहीं पहुँचे। अब सवाल है, जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें देखना चाहिए कि आपका झंडा यहाँ पहुँच गया है, लेकिन अब आपको ये भी देखने की जरूरत है कि आप कब पहुँचेंगे। झंडा पहुँचाने से काम नहीं चलेगा, झंडा बीजेपी का है समझ आ रहा होगा, कमल का फूल, भाजपा का झंडा यहाँ पहुँच गया, लेकिन बीजेपी के नेता यहाँ नहीं पहुँचे, इनकी हालत सुधारने के लिए पहुँचे। जो बीजेपी केंद्र में है, जो बीजेपी आधुनिक भारत बनाने की बात कर रही है, जो बीजेपी खुले में शौच से मुक्त भारत बनाना चाहती है, वो बीजेपी यहाँ नहीं पहुँची, उसका झंडा यहाँ पहुँच गया। और आगे चलते हैं, चूल्हा बन रहा, रोटियाँ बन रही हैं, ये क्या हुक्का है? ये हुक्का है, कोई बात नहीं, रखा रहने दो हुक्का। ये रोटी बन रही है, रोटी बन रही है, ये हुक्का था, यहाँ हुक्के में तंबाकू भरकर पिया जाता है। अब क्या करें बेचारे, मनोरंजन तो करना ही है किसी तरह, तो हुक्के से ही मनोरंजन हो जाए। रोटियाँ बन रही है, क्या बना रहे हो? रोटी बना रहे हो? क्या 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 बना है? आलू की सब्जी बना रहे हो? नेताजी से बोल दो, नेताजी आके खा जाएंगे, बोलो नेताजी। नेताजी आलू की सब्जी बन रही है, खा जाओ तुम भी खाना। नेताजी हमारे यहाँ भी खाना खा जाओ, आ जाओ खा लो खाना, आ जाओ वो सब्जी बन रही है आलू की। राहुल गांधी आ जाओ खाना खा लो। राजू गांधी जी आलू बना रखे है बिना तेल के, राहुल गांधी जी आलू बना बिना बिना तेल के आलू बना रखे है, खा लो खाना, यहाँ भी खा के जाओ गरीबों के घर खाना। यहाँ मायावती से भी बोलो वो भी खा जाएगी, मोदी से भी बोलो वो भी खाना बिना तेल का खाना खा कर जाएंगे, बिना साग सब्जी में तेल का तड़का भी नहीं लगता है, आलू टमाटर भी नहीं गिरते, उन्हें बोलो। ये गरीब नेताओं को इनवाइट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आइए आप हमारे यहाँ खाना खाइए, लेकिन नेता इनवाइट नहीं करते कभी गरीबों को खाना खिलाने के लिए अपने घर पर। ये बताना चाह रहे हैं कि नेताजी आप दलितों के घर खाना खाने जाते हैं, गरीबों के मसीहा आप बनते हैं, एक बार यहाँ भी आइए, यहाँ का भी हमारा भी खाना खा के देखिए, हमारा खाना आखिरकार है कैसा। अच्छा
आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नेताजी, आपको भी देखने की जरूरत है। भाई साहब आप इधर आ जाइए, एक मिनट आप इधर आ जाइए। आप क्या बोलना चाह रहे हैं आप बताइए। हम बोलना चाह रहे हैं हमारी झोपड़ी छोटी सी। क्या नशा कर रखा आपने कोई? हाँ झूठ नहीं बोलने का। क्या पिया हुआ? दर भित्ता में। शर्म नहीं आती आपको शराब पी रहे हो? घर में कितने बच्चे हैं आपके? एक लौंडे आए। तो शर्म नहीं आती आपको शराब पी रहे हो? चलो छोटे इन बातों को जो हमें कह रहे बातों को नहीं, आप सरकार से बात तो कर रहे हैं कि विकास करो जी, आप शराब क्यों पी रहे हो? हैं शराब क्यों पी रहे हो? बंद कर देंगे सारे को। क्यों पीते क्यों हो? मजबूरी में। मजबूरी किस बात की है? शराब के लिए पैसा आ जाते हैं? लंडन है क्या? क्या नहीं है? लंडन नहीं है। लंडन नहीं है तो शराब पियोगे क्या? उस सोच में हो आप? रो मत, आप बताओ तो सही क्यों पीते हो शराब? आप रो मत, परेशान मत हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप शराब क्यों पीते हो ये बताओ। मेरे तीन लड़के मर गए। लड़के मर गए? बुड्ढा आदमी। कोई बात नहीं तो शराब थोड़ी ना पी जाती है। बिटिया का ध्यान नहीं रखोगे क्या? बिटिया भी तो है आपकी, बिटिया का ध्यान नहीं रखोगे? बताओ शराब पीने से क्या आपके लड़के वापस आ जाएंगे? आप अपनी बिटिया का तो ख्याल रखोगे ना? अभी तुम रखोगे? शराब नहीं पीते, शराब गंदी चीज है। शराब बंद करिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। सरकार से बोलिए क्या बोलना है आपको। हमें बोलना है मेरे बच्ची है ये झोपड़ी सी बड़ी है जी, ये झोपड़ी बड़ी छोटी उठवा दो भाई, लौंडिया ब्याह करना। और क्या लौंडिया का ब्याह करना? बड़ी चिंता है, एक बाप को बहुत बड़ी चिंता होती है उसकी बेटी की शादी की। शायद वही दुख इन्हें भी होगा, शायद शराब पी ली होगी दिन में, लेकिन दिन में भी शराब नहीं पीते, रात में भी शराब नहीं पीते। शराब गंदी चीज है, ठीक है? मजबूरी में शराब नहीं पीते, किसी गम में शराब नहीं पीते, ठीक है? शराब गंदी चीज है। चलिए सरकार आपकी तरफ ध्यान दे, सरकार को समझने की जरूरत है एक व्यक्ति कितना मजबूर हो जाता है। नशे के खिलाफ भी अभियान चलाने की बात हो रही है कि नशे के खिलाफ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अभियान चलाया नशा मुक्त करने का, लेकिन आज लोगों को नशा करना क्यों पड़ रहा है ये भी सोचने की जरूरत है। मजबूरी होती है, मजबूरी है, आज आदमी मजबूर हो गया इसलिए नशा करना। चलिए कोई बात नहीं, आप शराब पीना बंद करिए अब, ठीक है? अच्छे से रहिए, अपनी बिटिया का ख्याल रखिए। चलिए और आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं क्या बना रही हैं आप, क्या बना रही हैं? आलू बना रहे हैं। चलिए आपके भी आलू देखते हैं, दिखाइए आलू, दिखाइए तो सही जरा। देखिए नेताओं ये आलू देखिए, इस चूल्हे को देखिए गौर से। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी तमाम लोग आइए और एक बार इस रोटी को सब्जी को खाकर देखिए। आलू मटर यहाँ भी बन रहे हैं, ये आपके लिए स्पेशल खाना बनाया जा रहा है, विशेष खाना है ये आपके लिए बन रहा है, आपको आना पड़ेगा और एक बार इनके साथ भी खाना खाकर देखिए आखिरकार खाना होता कैसा है, कैसे ये लोग खाना बनाते हैं, इंतजाम कैसे करते हो खाने का? खाने का कैसा भी नहीं, ना तो हमारे भैया है ना बाप है, हम दो भाणा बुढ़िया माँ है। नेताओं को जानते हो? एक टाइम नहीं मिलता है, दो लड़की है, इसकी माँ है विधवा, कोई पैसा नहीं है गांव में, तो ले आए 50-100 रुपए तो खाना बना दिया, नहीं तो हमारा कोई काम नहीं है। और हमारी सुलिए सरकार जो करवा दे गए, हम गरीब आदमी रानी रांड हाँ। ना कोई डेली पानी पीते हैं, अधिकारियों के पास नहीं जाते आप? गए थे, किसने भी सहूलियत नहीं करी हमारी, बहुत तड़पते फिरे हम तो। काम क्या करते हो आप? कुछ काम नहीं होता है, थोड़ा बहुत बना लेते हैं, चिमटा चमटा जलनी छलनी बना लेते हैं, बेचने जाते हैं, उसकी भी रोजगार नहीं होती है कुछ। स्थानीय नेताओं के नाम तो लोगों को पता ही होते हैं क्योंकि वो चुनाव के वक्त चक्कर लगाते रहते हैं, आते रहते हैं, जनता से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हालात हैं कि लोगों को नहीं पता कि उनका नेता है कौन। स्थानीय नेता के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ उन सब के बारे में पता है। एक और नल आपको दिखा रहा है आधुनिक भारत की तस्वीर। एक नल और देखिए आप, एक नल और देखिए, इस नल की स्थिति भी देखिए, इस नल को भी समझिए। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी आइए जरा इस नल से पानी निकाल कर दिखाइए, मोदी जी आइए इस नल से पानी निकाल कर दिखाइए, मायावती जी आइए इस नल से पानी निकाल कर दिखाइए, आइए देखिए इस नल को और इस नल से पानी निकाल कर इन्हें पिलाइए, इन लोगों की प्यास बुझाइए। है कोई नेता जो इस नल को खोल कर पानी निकाल कर दिखा सके? क्या होगा बताओ इसका, ठीक कर जीवा हम पानी बिना। बेहद ही भयावह तस्वीर है, देखकर दिल में दर्द होता है कि आज हम अगर आधुनिक भारत की तरफ बढ़ रहे हैं तो आधुनिक भारत क्या ऐसा है? आधुनिक भारत की तस्वीर, गरीबी को हटाने के लिए कितने सालों पहले मुहिम चलाई गई थी, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन आज गरीबी नहीं हटी, गरीब हटते चले गए। हाँ जी क्या समस्या है? अब मेरी समस्या नहीं सुनो, अब देखो यो नल मारा खराब पड़ा कई दिन से, ना तो कोई मारा नल है, ना गड़ूंचे और ना कोई मारा मकान है भाई, मकान मारा नहीं, लेटरिंग बाथरूम मारा नहीं,
मारी लड़की जा है वहां लुच्चे लफंगे सो गाली देवे डले फेंके और नंगे हो जा उनके आगे खड़े बताओ कहाँ जावा हम बताओ हम न्यू ही रहेंगे 30-35 साल हम न्यू हो गए है हम मुझ बोल ही रही। देखो अब हमारी बात सुनो जैसा यहाँ है लैटरिन फिरने की जगह सड़क लगता बुढ़े ठहरे जाते हैं सड़क लखी भी नहीं जाती कई मर गए हमारे कट कट का एक तो बुढ़ा हमारा कई साल हो गए जब मरिया 2-3 साल पहले है अब जावा लंडी लारी लैटरिन फिरन जावे छोटे खोल खोल पैट न्यू खड़े हो जागे नंगे है और बताओ यहाँ लैटरिन बनने की जगह नहीं है। देश में संस्कारों की बात की जाती है महिलाओं को बाहर से बाहर शौच करने से रोकने का मकसद भी यही था कि हमारे देश में जो संस्कार है महिलाओं की जो इज्जत है उसे बचा कर रखा जा सके उसे सहेज कर रखा जा सके लेकिन आज भी स्थिति यही है कि आज महिलाओं को ऐसे ही खुले में शौच जाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को सोचने की ज़रूरत है अखिलेश यादव को सोचने की ज़रूरत है उन तमाम अधिकारियों को सोचने की ज़रूरत है जो अधिकारी कहते हैं कि हाँ भाई हम विकास कर रहे हैं विकास की उसमें आगे बढ़ रहे हैं हालत वाकई ख़राब है। हम यहाँ पर चलते हुए हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम यहाँ से कहाँ से निकलें कहीं हम गिर ना जाएं कहीं हम फिसल ना जाएं। एक नेता तो कोई आइए इनका दर्द को समझिए इनके दर्द को समझिए और इस दर्द को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे चल रहे हैं और आगे की तरफ चलते हैं इससे पूरे गाँव में कितने लोग हैं भैया देखो शिकली कर बस गए आज भाई जी शिकली कर भी बस गए कंजर भी बस गया हमारी कई पीढ़ी चली गई पर हमें किसी ने नहीं बसाई और हम ठाकुर महाराणा प्रताप के वर्ष के आदमी और हम कंजरों से भी गए गुजरे और जो हमारे लिए पैसा भेजते हैं वो भी बीच में खा जाते हैं लड़के भेजते हैं वे भी लगवा लेते हैं कंजर शिकली कर बताओ हम कहाँ जावा चाहे कोई भी नेता हमारे दुख की बात है घबरा रही है गौ माता घबराओ मत कोई दिक्कत नहीं है गौ माता घबरा रही है। महाराणा प्रताप के वंशज जिस तरीके से इन लोगों ने बताया तो वाकई में तस्वीर बेहद भयानक है। इस तस्वीर को देखकर गौर से समझने की जरूरत है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। क्या नाम है आपका? बीना। क्या करती हो? कुछ भी नहीं है काम करते हैं। अच्छा ये बताओ शौच के लिए कहाँ जाती हो? बाहर जाती हो? बाहर जाते हैं। क्या कोई अधिकारी नहीं आया आज तक यहाँ बनाने शौचालय वो चले? नहीं आया। एक एक परिवार में ना 10-10 वोट है देखो कितनी वोट है हमारे पास वोट बहुत बहुत है जो हमारा साथ देंगे हम उसका साथ देंगे चाहे कोई भी नेता देखो एक एक परिवार में कितनी वोट है आज स्थिति है आज जनता बोल रही है कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे आज जनता बोल रही है जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। इनके वोटर आई कार्ड भी बने हुए हैं आप देखो एक ही मेरे 6 लड़के हैं ऐसे कहते हैं वोट नहीं देते हाँ जी मेरे पूरे परिवार की वोट है इतनी वोट हमारी आप वोट डालते हो हर साल जाती है कौन कहता है वोट नहीं देते आप देखो ये कौन कहता कि हम वोट नहीं देते ये भी मेरा लड़का है ये मेरे पति की फोटो है सब हम वोट देते हैं और ये हमारी तो पहचान पत्र भी है आधार कार्ड भी है लड़का है सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी कोई नेता सुनने को राजी नहीं है। सारे परिवार के वोट आप ले आए हो है ना मतलब ये बताइए यहाँ पर सभी के वोट हैं सभी के वोट है वोट सभी ले जाते हैं। देखो ये हमारी 2-2500 वोट निकलती है यहाँ से और हमारी कोई सहायता नहीं करते हैं कोई साथ आप इन्हें रखिए वोट डालने का हक इन्हें प्राप्त है मतदान ये कर सकते हैं लेकिन उसके बदले में ये किसी भी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते ऐसा ही लग रहा है। जी हाँ राशन क्या हुआ आपका क्या हो गया कुछ नहीं देता राशन नहीं मिलता राशन नहीं मिलता मुझे कुछ नहीं मिलता इस पे 2 किलो 2 लीटर तेल देता है बस। कौन से अधिकारियों से जाकर मिलते हो? अधिकारी से कोई नहीं मिलता कहता है वहाँ चले जाओ और वहाँ चले जाओ कोई नहीं बात करता ढंग से कोई आता ही नहीं हमारी गरीबी कोई ढंग से बताया आपने कि मुझे राशन नहीं मिलता ना मैंने नुका दिया इलेक्शनों के बाद मिलेगा इलेक्शनों के बाद मेरी घरवाली है। कौन से नेता जी थे?
नो नहीं है, मुझे पता कौन से थे, नाम नहीं पता। अब नेता चलिए बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बिजली के बिल, बिजली आती है यहाँ पर? बिजली आती है, ये बिजली लगवाई किसने यहाँ पर? अपने पैसों से लगवाया हमने, पैसे के लगवाए चले थे हाथ पैर, अब चलते तो नहीं। अब 8,000 रुपए लगाए हमने बिजली पे, 6,000 रुपए लिए बिजली वाले पास है। क्या यहाँ पर खंबे हम्बे आए हुए हैं अंदर की तरफ? कोई खंबे नहीं है, बोलते हैं फिर मना कर देते हैं। एक करके बोलिए आप, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ये बिजली का बिल आप देख पा रहे हैं? इस बिजली के बिल से ये बिजली तो चला पा रहे हैं, लेकिन खंबे आज तक नहीं पहुंचे हैं। बिजली पहुंच गई है किसी तरह, जैसे तैसे पहुंच गई, टीवी भी अंदर चल रहा है, लेकिन विकास कहाँ है? सवाल है, क्या बिजली पहुंचा देना? जिस बिजली का जिक्र अखिलेश यादव करते हैं कि भाई बिजली बहुत सारी मिलती है। अच्छा बताओ बिजली कितनी देर आती है यहाँ पर? यहाँ से तो सब रात भाग जा। तो कहते हैं बहुत सारी बिजली दे रहे हैं। नहीं सब दिन भाग जा। बिल जाता है ज्यादा? हाँ बिल ज्यादा आता है। ये मीटर ये लगवाए किसने थे? खुद हमने अपने पैसे से लगवाया था, जब हमारे हाथ पैर चले थे, अब नहीं चलते हमारे हाथ पैर। बल्ब भी जलाते जब हम भाग्य की बात है कि इन्हें बिजली 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 का इंतजाम भी खुद ही करना पड़ा। चलो चलो, चूल्हे भी फूटे पड़े हैं, चूल्हे भी फूट फूट के परेशान हो गए हैं। आखिर वो भी कहते हैं कि आखिरकार हम कब तक बनेंगे, कब तक बनेंगे, कब तक नहीं बनेंगे। जलाने के 3 महीने के 2,000 रुपए और खाली एक बल्ब जलाते हैं हम, वो भी ट्यूब वाला। पूरे पैसे लेंगे बिजली विभाग वाले बोलते हैं, तो 2,000 रुपए में क्या AC लगवा रखा है क्या आप लोगों ने? एक बल्ब का बिल 2,000 रुपए, 8,000 रुपए। अखिलेश जी ये सवाल आपसे है, क्या ऐसी बिजली आप दे रहे हैं कि एक बल्ब का बिल 2,000 रुपए प्रति महीना आएगा? एक महीने का बिल है, 3 महीने का बिल है? हाँ माफ कीजिएगा, 3 महीने का बिल है, 3 महीने में 2,000 रुपए इन्हें पे करने हैं सिर्फ एक बल्ब जलाने के, अपने घर में रोशनी करने के। सवाल है कि ऐसी कौन सी बिजली अखिलेश यादव दे रहे हैं? स्पेन से खरीद के ला रहे हैं, इंग्लैंड से खरीद के ला रहे हैं क्या, जो बिजली की इतनी कीमत इनसे वसूली जा रही है? चलिए हम आगे और चल रहे हैं और आगे। हाँ बताइए, आप बताइए, आप बताइए। हमारा कोई पंखे मारा चले ना, कोई कपड़े धोने की मशीन मारे ना, कोई रोटी लाइट से हम बनाए ना। हम तो ये अपना एक लाइट लाइट जलाए चांदना चांदना करते हैं। 3,000 आ जाए, 2,000 आ जाए। आप जाके शिकायत नहीं करते अधिकारियों से? बताते नहीं कि भाई कौन सुनाई करे? हमारी सुनाई नहीं करते कोई भी, बिगड़ लिखे पढ़े आदमी। हाँ अब जिक्र का है कर ही करना नहीं यहाँ पर। हमें ये भी पता नहीं, हमने तो आज तक मंत्री की शक्ल भी नहीं देखी, ना राशन कार्ड बना कर दे रहे, ना कुछ और कुछ करते, कुछ भी नहीं। हमारे तो सहायता करे, हमें यहाँ 30-35 साल होने लग रहे, कुछ भी सहायता नहीं करते हमारी। हमारे बुजुर्गों ने भी कुछ किया। चलिए वाकई में ये तस्वीर बेहद भयानक कह सकते हैं, भयानक इसलिए कह सकते हैं, जुलाहे कह सकते हैं, भयानक तस्वीर इसीलिए है क्योंकि आज आधुनिक भारत में ये तस्वीर सामने आ रही है। सबके विकास का ढोल पीटने की बात सब करते हैं, विकास की बात सब करते हैं, योजनाओं का बखान सब करते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, प्रधानमंत्री हमारे, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे तमाम बड़े नेता हों, चाहे उन दलों के विधायक और सांसद हों जो बातें करते रहते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये बातें कब तक रहेंगी? कब आकर इस जनता का विकास हो पाएगा? कब आकर इस जनता को वो बुनियादी सुविधाएँ मिल पाएंगी जिनकी ज़रूरत इस जनता को है? आगे भी चलेंगे बस्ती में और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस बस्ती में है। हमारी गरीबी की देख कर और नेता आते ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं कर पाता है। कौन सुनाई करे? हमारी सुनाई नहीं करते कोई भी।